हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं लवली नू, बेबीडोज कॉइन और साथ ही साथ टेरा क्लासिक यानी कि एलयूएनसी कॉइन के रिगार्डिंग। क्योंकि तीनों के तीनों जो कॉइन्स हैं फिलहाल के टाइम पे ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर, क्योंकि बैक टू बैक अपडेट्स इनमें आ रही है। जैसा कि लवली नू की अगर बात करें तो फिलहाल के टाइम पे आप देख सकते हो 9% से ये पंप करता हुआ नजर आ रहा है, और इसके पीछे जो रीजन है वो है बैक टू बैक अपडेट्स का आना। जैसा कि आप देख सकते हो, 1 घंटे पहले उन्होंने यहाँ पर से ट्वीट निकला है जहाँ पर आई क्रिपेक्स एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और साथ ही साथ दोस्तों, एक चीज आपको मैं बता दूं कि इन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया था जहाँ पर ये ऑफलाइन मार्केटिंग करने वाले हैं तुर्की के अंदर, और जो ये एक्सचेंज है आई क्रिपेक्स, ये भी एक तुर्की एक्सचेंज है। तो यानी कि डेफिनेटली ये मार्केटिंग तो होने वाली है, और यहाँ से दोस्तों आने वाले टाइम पे हम लवली नू के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट देख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्राइस भी हम कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं कि प्राइस इसका अच्छा खासा बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कॉइन मार्केट की तरफ से देखें तो रिसेंटली इन्होंने SRD एप्लीकेशन की रिगार्डिंग बात की थी, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, इथेरियम जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो इन्होंने यहाँ पे कन्फर्म कर दिया है। आने वाले टाइम पे हमें सर्कुलेटिंग सप्लाई वगैरह सब कुछ वेरीफाइड होती हुई नजर आएंगी कॉइन मार्केट कैप में, तो ये काफी अच्छी खासी न्यूज है। जो सेकंड अपडेट है वो है बेबी डॉज कॉइन के रिलेटेड, क्योंकि ये भी ट्रेंड कर रहा है फिलहाल ट्विटर पर। जैसा कि आप देख सकते हो, प्राइस में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन बियर मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये उतना भी डाउन वाउन नहीं है, एकदम मतलब ये कह सकते हैं कि साइड वेव कर रहा है या फिर स्टेबल मूवमेंट में है। लेकिन दोस्तों, जो इसमें अपडेट आई है वो काफी अच्छी खासी आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हो, जो कॉइन गेको टर्मिनल है जहाँ पर, जैसा कि कॉइन CMC और कॉइन गेको, यहाँ पर जो डेक्स है और जो एक्सचेंजेस है सेक्स है, वहाँ पर वो लिस्टेड हो जाते हैं और वो मतलब रैंकिंग के ऑर्डर में टर्म्स में दिखाई देते हैं। तो बेबीडोज स्वैप जो है वो एज अ डेक्स वहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुका है, यानी कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरह हमें कॉइन गेको टर्मिनल पर नजर आने वाला है, जो कि काफी बड़ी अचीवमेंट है कहीं ना कहीं बेबीडोज स्वैप के लिए। इससे इसको और बड़ा ट्विटर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो मिलने वाला है आने वाले टाइम पर। साथ ही साथ अगर आप देखोगे दोस्तों, तो आने वाले टाइम पे और बड़ी अपडेट्स इसमें देखने को मिलेगी। रीजन ये है क्योंकि फिलहाल बेबीडोज कॉइन ट्रेंड कर रहा है वापस से, और ये काफी दिनों बाद हो रहा है। बेबीडोज स्वैप आने के बाद में अभी लिस्टिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो ट्रेंड कर रहा है, और इसके रिगार्डिंग भी इन्होंने ट्वीट किया है। तो बेबीडोज कॉइन भी आने वाले टाइम पे काफी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट अब निकाल सकता है, क्योंकि मार्केट भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है अगर न्यूज के हिसाब से देखा जाए तो। उसके अलावा दोस्तों, जो थर्ड अपडेट है हमारी वो आ रही है टेरा क्लासिक कॉइन से रिलेटेड। जैसा कि आप देख सकते हो, फिलहाल में इसका जो प्राइस है वो 2-4 की सीरीज में है, यानी कि ये काफी ज्यादा डाउन कर रहा है। कल की डेट में भी अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली डाउन हो रहा था, यानी कि पिछले 3-4 दिन में अगर देखे तो 3 की सीरीज से ये 2-4 की सीरीज में आ चुका है। तो काफी ज्यादा क्रैश आए हैं इसमें बैक टू बैक। जो कल की डेट में क्रैश आया था तो वहां पर सेलिंग प्रेशर भी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला था एलयूएनसी में, तो वो भी एक रीजन था। और आज के टाइम पे दोस्तों थोड़ा सा फंड क्रिएट हो गया है एलयूएनसी से रिलेटेड। रीजन उसका ये है, जैसा कि आप टूट देख सकते हो, जो ये बाइनेंस का 9 घंटे पहले आया था, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया कि जो USDT एलयूएनसी की जो बर्निंग है, जो विड्रॉल डिपॉजिट पर बर्निंग हो रही थी फिलहाल के टाइम पे, अगर आप अनाउंसमेंट को पूरा पढ़ना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 1.2% का जो बर्न ट्रांजेक्शन था उसको अब 0.2% कर दिए। लेकिन यहाँ पर भी एक लॉजिक है, जस्ट ये जो कम किया है ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन पर होने वाला है जो डिपॉजिट और विड्रॉल से रिलेटेड है। यानी कि अगर आप किसी एक्सचेंज टू एक्सचेंज अगर डिपॉजिट वगैरह करते हो तो वहीं पर ये होने वाला है। जो स्पॉट ट्रेडिंग पर जो ट्रांजेक्शन होने वाला है उस पर तो टैक्स अभी भी लगने वाला है, यानी कि जो बैच 4 में जितनी ये बर्निंग करेंगे वो हमें देखने को मिलेगी डेफिनेटली। तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज्यादातर जो बर्निंग हो रही है वो हो रही है स्पॉट ट्रेडिंग की वजह से, ये भी इफेक्ट है। तो इतना भी घबराने वाली बात नहीं है। आने वाले टाइम पे दोस्तों कुछ नए प्रपोजल जो हैं वो पास हो सकते हैं, और उनके बारे में ब्रीफली बात करेंगे किसी अनदर वीडियो में डेफिनेटली, क्योंकि एलयूएनसी काफी ज्यादा बुलिश मोमेंटम बना सकता है आने वाले टाइम पे। और अभी अगर ये थोड़ा सा और डाउन जाता है तो आप इसमें एंट्री भी ले सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। फिलहाल के लिए था, मिलते किसी अनदर वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।